नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और आप सभी के साथ मैं हूं मानी गुप्ता। जी हां बिल्कुल, इस समय मौजूद है काशीपुर के बाजपुर रोड पर, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है। जी हां बिल्कुल, केशव कुंज की मैं बात कर रहा हूं, जहां हर वर्ष जो है अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम लोग जो है शहर के और दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, जो स्वयंसेवक है वो आते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इस वर्ष भी जो है होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पे जो है बैठकी होली अलग अंदाज में आयोजित की जाती है। यहाँ पे स्वयंसेवक के रूप में आते हैं, बैठते हैं, पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और एक साथ इस होली का हर पर्व का आनंद लेते हैं। उसी तरीके से आज काशीपुर के केशव कुंज में जो है बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आज जो होली का पर्व हमारा आ रहा है उसके संबंध उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम है। होली का जो त्यौहार है ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी वर्ग भेद और ऊंच नीच छुआछूत को छोड़कर जातिगत जो हमारे समाज में बुराइयाँ हैं उन सबको मिटाने के उद्देश्य से आज इस त्यौहार को यहाँ पर मनाया जा रहा है और सभी वर्गों के सभी समाज के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग प्रेम और सौहार्द के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, होली मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं और जो गुजिया और मिठाइयाँ बांट रहे हैं और आपस में मिलजुल कर एक साथ खा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेन उद्देश्य है इस त्यौहार को मनाने का वो यही है कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करके सामाजिक समरसता का भाव समाज में पैदा हो और सब मिलजुल कर रहे एक साथ सब त्यौहार में। बहुत ही आनंद और उत्साह का माहौल यहाँ इस समय है। आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ पे कोई हमारे संघ के अंदर कभी भी जाति धर्म का कोई ऐसा नाम नहीं रहता। जैसा अगर मैं आकाश में तो आकाश जी बोलेंगे, प्रेम प्रकाश जी बोलेंगे, किसी का भी बण आगे नहीं लगाया जाता। और होली का त्यौहार एक ऐसा है कि हमारे कभी कितने भी मतभेद किसी के रहे हो, इस त्यौहार में सारे मतभेद भूल के एक दूसरे को हम लोग गले लगाते हैं। यही हमारे संघ की रीति नीति है, ये संघ की हमारी परंपरा है। हर वर्ष की बात इस वर्ष आयोजित हुआ, काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं कार्यक्रम में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो राष्ट्रवाद की विचारधारा और हमारी सनातन संस्कृति को, उसकी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करता है और हम सब जानते हैं कि हमारा प्रत्येक पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, चाहे वह दीपावली का पर्व हो, चाहे वह आज होली का पर्व, यहाँ बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और वास्तव में होली का पावन पर्व जैसा कहा जाता है कि खुशियों के रंगों से सबके जीवन को भरता है, तो आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे भी निवेदन करूंगा कि होली का जो हमारा यहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, होली का जो उत्सव मनाया जा रहा है, आप भी अंतिम समय तक यहाँ बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वास्तव में बड़ा आनंद आ रहा है आज होली की मस्ती में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो काशीपुर के केशव कुंज में जो होली आयोजित होती है बड़े कमाल की होली होती है और उस होली का भागीदार बनने यहाँ पे राहुल पैगिया जी भी हैं, जिला कोषाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे, कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं आज? RSS कार्यालय काशीपुर में होली का आयोजन करा जा रहा है, होली के कार्यक्रम का। काशीपुर क्षेत्र के समस्त, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, समस्त क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता, सनातनी सब भाई लोग यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होता है, इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बस आपके चैनल के माध्यम से होली की शुभकामनाएं। हमारे बीच में राम मेहरोत्रा जी भी मौजूद हैं, PCU चेयरमैन। सर, किस तरीके से देखते हैं कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सभी लोग उपस्थित हैं और सभी लोग जो है रंग में रंगे हुए हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, खुशियों का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर केशवपुरम में केशव कुंज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला कार्यालय है, इसमें हर वर्ष बड़े धूमधाम से होली मनाई जाती है और बड़ा गीतों का आयोजन अपने बड़े धूमधाम से पूरी मस्ती के साथ यहाँ पर होली का कार्यक्रम होता है। तो उसी में यहाँ पर आज पूरे ज़िले के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सब बड़े धूमधाम से होली को मना रहे हैं। तो मैं सभी को, अपने प्रदेशवासियों को, ज़िले के सभी पदाधिकारियों को, सभी ज़िले के कार्यकर्ताओं को, बहुत बहुत अपने नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से होली को हर वर्ष धूमधाम से मनाते रहें, सबको इसी की शुभकामनाएं। आज यहां संघ कार्यालय में होली का
प्रोग्राम रखा हुआ है। यहाँ पर बैठ के होली हो रही है। जो हमारे भाई हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से ढोलक भी खुद ही बजा रहे हैं, मंजीरे भी खुद ही बजा रहे हैं और होली का गायन भी खुद ही कर रहे हैं और डांस भी खुद ही कर रहे हैं। यानी कि पूरे होली के हुलार जिसे कहते हैं ना, उस मस्ती में सब लोग झूम रहे हैं। सभी लोग, पार्टी के लोग और लोग, सभी लोग आके यहाँ पर मिल रहे हैं। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं आज की इस होली का, जो आने वाली 25 तारीख की होली है उसका आनंद उठा रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, संघ कार्यालय में सभी स्वयंसेवक संघ के लोग और सभी स्वयंसेवक यहाँ पर बैठ के होली के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मधुर गीतों के साथ, गुजिया के साथ, चाय पकौड़ी के साथ, फलों के साथ इस त्यौहार को यहाँ पर और रंगों के साथ, होली के जो कहना चाहिए गुलाल के साथ, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से होली त्यौहार को मनाया जा रहा है। आपस में सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिल रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। और जिस तरीके से होली एक रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, इसी तरीके से सबके जीवन में ये रंगों की जो खुशी है ये हमेशा सबको मिलती रहे, यही शुभकामनाएं हैं। ऐसा होता है कि बसंत पंचमी के दिन से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, बैठकी होली शुरू हो जाती है। घर घर में जा कर के महिलाएँ अलग, पुरुष अलग, अपनी अपनी बैठकी करते हैं और ये मथुरा और वृंदावन उनकी लाइव होता है, कृष्ण भगवान के उसमें किया जाता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ हर साल ये चलता है एकादशी के दिन। और फिर खड़ी होली हो जाती है, खड़ी होके होने लग जाती है और इस तरीके से ये पूरा जिस दिन तक हम रंग खेलते हैं पूरा महीना भर चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संघ के कार्यालय में जो भी होली का कार्यक्रम होता है वहाँ सभी माँ भारती के लाल होते हैं, भारत माँ के भक्त होते हैं। यहाँ पर कोई पद वाला व्यक्ति नहीं आता, कोई मान सम्मान वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर सब बराबर होते हैं। हर वर्ष यहाँ पर एक होली के कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसी के रूप में आज हमारे यहाँ पर सह प्रांत बेचारा जी भी अभी अभी आए हैं हमारे बीच में और सभी आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के अंदर एक अटूट आज उत्साह है, अटूट एक खुशी है। एक होली आज चल रही है, एक होली 24-25 में चलेगी और एक होली चलेगी हमारी 4 जून को, जिस दिन हमारे मोदी जी 400 पार के नारे को साकार करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय पहुँचे हुए हैं। मैं काशीपुर की और उत्तराखंड की सभी क्षेत्रवासियों को ये होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप देख रहे हैं हर वर्ष की भांति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव कुंज में सभी स्वयंसेवक संघ के बंधु यहाँ पर होली मना रहे हैं और सभी खुशी से मना रहे हैं। सभी लोग कोई गुजिया लेके आया है, कोई मिठाई लेके आया है, क्योंकि हम लोग अपनी होली तो बनाते ही हैं, क्योंकि ये लोग देश के लिए समर्पित है। कोई माँ भारती का लाल है, कोई राष्ट्र सेवा में समर्पित है, तो सभी लोग कोई मिठाई लेके आता है, गुजिया लेके आता है और हम बहुत सौभाग्यशाली है और हम सौभाग्यशाली है कि आज हम होली अपने स्वयंसेवक संघ कार्यालय में बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये होली सभी के जीवन में उत्साह और उमंग लेके आए, ऐसी शुभकामनाएं प्रभु के चरणों में करता हूं। और आज ये हमारा विचार परिवार की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन है, वो भव्यता के रूप से चल रहा है, बैठ की होली का आयोजन चल रहा है, लोग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, गुजिया खाई जा रही है, मिठाई खाई जा रही है, एक दूसरे का रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं और होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं और देश की उन्नति और तरक्की के लिए आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं।